नमस्ते, मैं राव संदीप यादव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। फिर से मैं अक्सर किताबों के बारे में बहुत सारे रिकमेंडेशन देता रहता हूं, और ये वीडियो भी एक बार फिर से किताबों के बारे में ही है। आज मैं बताने वाला हूं कि कौन सी वो पांच किताबें जो आपके आपको 2023 में पढ़नी चाहिए, जो आपको चेंज करने में, अपने आप को मोटिवेट करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। वैसे तो सारी किताबें ही बहुत कमाल की होती हैं। हर एक किताब में एक जर्नी होती है, हर एक किताब में कहानी होती है, हर एक किताब में एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको उन पांच किताबों के बारे में बताऊंगा जो 2023 में हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो बहुत पहले भी चाहिए जा चुका था, लेकिन नहीं पढ़ी हैं तो जरूर इन किताबों पे हम लोग अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहली बुक है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, द फिजियोलॉजी ऑफ मनी। मेरे कई दोस्त हैं जो अपने सिविल स्कोर को लेके बड़े परेशान रहते हैं, और उसके साथ साथ जिंदगी में और बाकी अलग अलग चीजों में वो उनको बड़ी दिक्कतें आती है। इसलिए हमें अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं पे कंट्रोलिंग के साथ साथ नज़र और नॉलेज रखने के साथ साथ मनी मैनेजमेंट और कैसे हमारे जीवन में मनी का एक रोल है, महत्व है, उसको कैसे हम एक प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो ये बुक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इस पे हमें जरूर अपना समय देना देना चाहिए। तो आई थिंक यू शुड गो एंड रीड इट। दूसरी जो बुक है, मैं जो मेरा जो रीडिंग स्ट्रक्चर रहता है, मैं सबसे ज़्यादा जीवनियाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कोर चीज़ है, जो जब चीज़ हमें जब हम लोग बिल्डअप हो चुके होते हैं, जब हम प्रोसेस में आ चुके होते हैं, तो जो एंड में जो चीज़ें निकलती हैं वो मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि 10वीं क्लास का नॉलेज अगर 5वीं क्लास के बच्चे को अगर हम डाला जाएगा तो वो नहीं समझ में आएगा उसको। तो जो इस लेवल का जो नॉलेज है, उसका जो जर्नी था, उस जर्नी को अगर हम समझेंगे तो हम रिलेट करेंगे। तो मैं जीवनियों पे आजकल बड़ा टाइम व्यतीत कर रहा हूँ, और उसमें सद्गुरु की जीवनी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी बुक है, माइंड इज योर बिजनेस, इस बुक को रिकमेंड करूंगा। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें एक साथ दो किताबें हैं, बॉडी द ग्रेटेस्ट गैजेट। जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग के चित्र खुलते हैं, हमारा माइंडसेट अप होता है। हम एक मैं कहता हूं कि हमेशा कि जब हमारे दिमाग में कंटेंट होता है, जब हमारा माइंडसेट चेंज होता है, तो हम चेंज होते हैं, हमारा सराउंडिंग चेंज होता है, हमारे विचार चेंज होते हैं और चीजें बनने लगती हैं। तो ये एक बुक है, माइंड इज योर बिजनेस एंड देन बॉडी द ग्रेटेस्ट गैजेट। एक के अंदर ही दो किताबें हैं। दूसरी किताब, तीसरी किताब पे मैं आना चाहूंगा, जो ये वो किताब है जिसने मुझे लिखना सिखाया, ये वो किताब है जिसने मुझे लिखने के लिए हमेशा प्रेरित किया। हालांकि मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ और ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वृत्तांत पढ़ता रहता हूँ, इसलिए ये बुक मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत दूर कितना दूर होता है, मानो कौल, क्या कमाल लिखते हैं इनकी लेखनी, इनका सोचने का तरीका, इनका नजरिया मुझे बहुत भाता है। हाईली रिकमेंड करूंगा कि हमें ये किताब पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। अब हम आते हैं चौथी बुक पे, ये वो बुक है जो इस पूरे ब्रह्मांड में पूरा सार लिए है। इस बुक को हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इस बुक को पढ़ने के बाद हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को हम ऐसे एक बहुत हल्के तरीके से हटा सकते हैं। ये वो बुक है जिसपे पूरा हिंदुत्व टिका हुआ है, ये वो बुक है जिसे हर आदमी को पढ़नी चाहिए। कई बार हमें लगता है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, हम लोग जब महाभारत पूरा पढ़ के बैठे होते हैं, जब हम गीता समझ के बैठे होते हैं, और जब हम कहते हैं ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे तो अर्जुन ने कहा था मैं इनको नहीं मार पाऊंगा, तो जो आपकी सिचुएशन है, जो अर्जुन की सिचुएशन थी, सेम ही तो है। हम सेम ग्रस्त जीवन में हैं, सेम तरह की प्रॉब्लम्स में हैं। जब हम गीता को पढ़ते हैं तो उसके सार से ये समझ में आता है कि उस गीता में और यहाँ की गीता में कोई अंतर नहीं है। तो उनकी चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे जीवन को, संघर्षों को बहुत कम कर सकते हैं। तो ये बुक मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, मस्ट रीड बुक, श्री मद्भागवत गीता यथार्थ।
पांचवी और लास्ट किताब है, इसके अलावा मैं और किताबें की भी रिकमेंड करूंगा, बट ये वो किताब है जो मैंने शिमला यात्रा के दौरान खरीदी थी। हर यात्राओं पे मैं एक बुक खरीदता हूँ, चाहे मैं उनको पढ़ूँ बाद में, लेकिन मैं खरीदता जरूर हूँ। उस यात्रा पे मैंने एक बुक खरीदी थी और उस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। इस बुक के पीछे एक अच्छी कहानी है। मैंने इनको पढ़ना शुरू किया और मैंने शायद 50-60 पन्ने पढ़े होंगे, मैं बहुत बोर हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। फिर एक बार मैं कुछ किताबें खरीदने के लिए मैं WTP गया हुआ था, मैंने उस बंदे से बात की, मैं कह यार ये बुक मुझे समझ नहीं आई। उसने कहा कि आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई। और लोगों को जब पता चला कि इस बुक का वैल्यूएशन क्या है, किस कमाल तरीके की बुक है, लोगों ने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बाद दे कम अप एंड सेड मस्ट रीड बुक। स्लो है शुरुआत में, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, मैं इस बुक को जरूर रिकमेंड करूँगा। तो ये मेरे कुछ बुक रिकमेंडेशन है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों तक पहुँचें। आप किताबों को पढ़ेंगे तो जर्नियाँ समझ में आएंगी, जब जर्नीज समझ में आएंगी तो संघर्ष समझ में आएंगे, संघर्ष समझ में आएंगे तो आपको आपके संघर्ष में वो सारी चीज़ें हेल्प करेंगे और आप पाएंगे कि उन किताबों ने आपको हमेशा ऊपर रखने में आपकी हेल्प करेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो ये मेरे रिकमेंडेशन थे। अगले वीडियो में मिलता हूँ अगले 5 रिकमेंडेशन के साथ। नमस्ते।